पीडीपी, एनसी और कांग्रेस में तोड़फोड़ का मकसद उन चेहरों को असेंबली तक पहुंचाना है जो बीजेपी के साथ 5 अगस्त के गैर आईनी फैसले को दुरुस्त करे। बीजेपी भारत की रियासतों को जम्मू कश्मीर न बना सके, पर जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार बनाना चाहते हैं, जहां लोग पाइपों में खाते हैं, पाइपों में सोते हैं। बांडीपुरा में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। ₹370 हटाने के बाद कहा था कि सरमायाकारी होगी, कितने कारखाने लगे। कहा था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कितनी नौकरियां दी। कहा था मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, शहर शहर में बंकर बनाए। कश्मीर में तहफ्फुज़ क्या, हर फर्द अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। हालिया एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट 370 हटाने के बाद मिलिटेंट सफ में दाखिल हुआ था। डोडा की आवाम से उमर अब्दुल्ला का खिताब। और 370 व कश्मीर पर जितना बोलना था 2.5 साल में बोल दिया। अब इधर उधर की बातें नहीं, रियासत की बहाली और इलेक्शन कराना तरजीह है। हदबंदी का अमल फौरन मुकम्मल किया जाए और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाया जाए। कुकरनाग में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। नाज़रीन आदाब, सपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। हेडलाइंस आपने टॉप हेडलाइंस देखी, लेकिन हेडलाइंस के साथ साथ अब हेडलाइंस का मुकम्मल तफसील आप तक पहुंचाएंगे। सियासत जोरों शोर से जारी है, हालांकि अभी इलेक्शन का ऐलान कहीं से भी नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर के अंदर हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अब काफी मुतहरिक हो गई है, सरगर्म हो गई है। और इन पार्टियों का जब हम जिक्र करते हैं तो हाल ही में चुनाव वैली से महबूबा मुफ्ती वापस आई और वापस आने के बाद अब कश्मीर में अपनी कमान संभाली और आज बांडीपुरा गए हुए थे और बांडीपुरा में महबूबा मुफ्ती ने एक अवामी जलसे से खिताब किया और इस किताब में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आपको उससे पहले बताना चाहेंगे कि निजामुद्दीन भट्ट बांडीपुरा हल्का इंतखाब को पीडीपी की जन्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हालिया दिनों उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद आज ये मजमुआ यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर डॉक्टर महबूब बेग के साथ साथ नईम अख्तर इंद्रा भी मौजूद थे। लेकिन यहां पर महबूबा मुफ्ती ने जब तकरीर की तो तकरीर में उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान की रियासतों को जम्मू कश्मीर नहीं बना सकी है, लेकिन अब उन्होंने उल्टा किया बकौल महबूबा मुफ्ती कि अब यहां वो बिहार बनाना चाहती हैं, यूपी बनाना चाहती हैं। और महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि बिहार में जो लोग रहते हैं वो पाइपों में रहते हैं और पाइपों में खाते हैं और इसी वजह से वही जम्मू कश्मीर या नया कश्मीर वो यहां बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप हिंदुस्तान के रियासतों को जम्मू कश्मीर जैसा नहीं बना सके, इसलिए जम्मू कश्मीर को बिहार और यूपी बनाना चाहते हैं। ये तो वचन थी जहां पर बच्चियां रात को क्या दिन को नहीं चल सकती है। ये थे लड़कियां जी वहां पर खुदा की वजह बेसतरी करने पश्चिमान जिंदगी जाओ, वो लोग जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं, यही नया कश्मीर है। चलिए, महबूबा मुफ्ती ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर शदीद नबियत के इल्जाम लगाए हैं और उन्हें कहा कि यहां का जो सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने कुछ संजीदा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ का सिलसिला आजकल चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और अब कांग्रेस के अंदर बकौल महबूबा मुफ्ती शुरू हो गया है और उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें एक सोच लगती है और वो सोच ये है कि मरकजी सरकार या भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तोड़फोड़ से ये मकसद हासिल करना चाहती हैं
कि दफा 370 जो बकौल महबूबा मुफ्ती गैर आइनी अमल था और एक गैर आइनी अमल के जरिए उसे एब्रोगेट किया गया, खत्म किया गया, उसी फैसले को बीजेपी को लगता है कि उसमें कमजोरी है और अब उन्हीं चेहरों को, अपने मनपसंद चेहरों को वह असेंबली तक ले आना चाहते हैं ताकि वो इस गलती को दुरुस्त करे। एक बड़ा इंकशाफ यहां पर महबूबा मुफ्ती की जानिब से किया गया है और महबूबा मुफ्ती का यह इंकशाफ इस कदर था कि उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त साल 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो फैसला हुआ था उसी को अब असेंबली के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की जानिब से और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तोड़फोड़ जो है वो किया जा रहा है। पहले पीडीपी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस, और उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ उन्हें लग रहा है और कांग्रेस को लेकर पर्टिकुलरली महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो डिवीजन है वो आज खुद है, बल्कि उन्हें लगता है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जी साहब वो बिल्कुल इन टच हैं वहाँ के वकील के साथ, उनके सबने कहा कि अभी मगर वहाँ कोई भी वकील उनके केस लड़ने के लिए तैयार नहीं, हम कोशिश करें उनके केस को ट्रांसफर करें, हम वहाँ से उसको ट्रांसफर करके यूपी से ट्रांसफर करें उसको यहाँ लेके आए ताकि हम कोई वकील उनका केस लड़े, हम बिल्कुल कॉन्स्टेंट टच है उनके साथ। पॉलिटिकल मैम वहाँ पे देखिए ये जो बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी, वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसी को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया, तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है तो ये डिवीजन कोई मुझे नहीं लगता कि ये खुद ब खुद हो रहा है, मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है जो कांग्रेस के दो टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। मैडम आप चाहती है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए? देखिए इलेक्शन तो कभी ना कभी होने ही हैं, वो आज हो कल हो होने, मगर मुझे ये खदशा है कि जिस तरह ये पार्टीज की यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, पीडीपी की एनसी की अब भी कांग्रेस में भी दो हिस्से फाड़ कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि आने वाले असेंबली में ये ऐसे लोगों को असेंबली तक पहुँचाए जो इन्होंने जो गैर आइनी और जो इन्होंने इल्लीगल तरीके से नाजायज तरीके से जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को फैसला किया उसको ये उनके जरिए दुरुस्त करार दे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग बाखबर हैं, वो समझते हैं कि यहाँ की जमातें कौन है, कौन इनके हकूक का तहफ़ कर सकता है और कौन उनको, जो नई नई जमातें अब आ रही हैं उनका मकसद क्या है, उनका मकसद सिर्फ आने वाली असेंबली में बीजेपी का साथ दे के उनके। चलिए महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो काफ़ी संजीदा है पॉलिटिकली और यहाँ पर जो बीजेपी की सियासत है या बकौल उनके जो उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए कि जो कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सी पार्टीज़ या कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं ये ज़्यादा देर तक कारामद नहीं है और इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी आज इसी तरह नवीयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला दरअसल आज डोडा के अंदर की मजद थे और यहाँ पर एक पब्लिक रैली से उन्होंने खिताब भी किया और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, लेकिन इस मजमे में जब उमर अब्दुल्ला ने तकरीर की तो बड़ी ज़ोरदार तकरीर की और इस ज़ोरदार तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हटाए जाने से पहले बीजेपी की जानिब से जो उस वक्त नोशन दी गई थी, जो मुल्क को बताया गया था कि 370 जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का सबब है और मिलिटेंसी का भी सबब है, ख़राब हालात का भी सबब है और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या सनअतकारी जो है उसमें भी वो हायल है, लेकिन 370 5 अगस्त के दिन हटाया गया और उसके बाद झूठे ख्वाब दिखाए गए, झूठे वादे किए गए, झूठी सियासत हो रही है कश्मीर के नाम पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहा गया था कि सरमायाकारी होगी लेकिन कितने सरमायाकार कश्मीर आ गए, कहा गया था कि रोजगार बढ़ेगा, कितनों को नौकरियां मिल गई हैं, कितनों को रोजगार मिल गए हैं, ये उमर अब्दुल्ला का सवाल था। उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल भी कहा गया था कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी लेकिन अब तो जगह जगह पर शहर के अंदर बंकर्स बनाए जा रहे हैं और वो बंकर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमत में उठाए थे और हालात इस कदर यहाँ पर बेहतर हो गए थे, पुरामन हो गए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को कम या ख़त्म करने के हवाले से भी सोच रही थी और जम्मू कश्मीर के अंदर बकौल उनके अमन कायम था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आ गई और 370 जब से हट गई
तब से न सिर्फ हालात खराब हो गए बल्कि लोगों के अंदर भी बेचैनी फैली गई है और साथ ही साथ पैदा हो गई है। न सिर्फ इतना बल्कि उनका यह भी कहना है कि रिसेंटली जो शहरी श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 370 हटेगी तो मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी, तो फिर कैसे इस हमले में या इस एनकाउंटर में उस मिलिटेंट को मारा गया है जो 370 हटाए जाने के बाद मिलिटेंट सप में शामिल हो गया था। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बाहर से लोग आए इन्वेस्ट करने, क्या कारखाने लगे, क्या बाहर के होटल के मालिक आए और उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अब मैं डोडा में होटल बनाऊंगा, अब मैं कुशवाहा में होटल बनाऊंगा, अब मैं ये बगलिहार का जो ये झील है इसके किनारे टूरिज्म का एक विलेज बनाऊंगा। आए लोग पैसा लेके यहां लगाने के लिए, हमें कहा गया था कि अंबानी टाटा बिरला बिरला सब आएंगे, कोई नहीं आया। मैं कहा था कि हमारे नौजवानों को अब रोजगार ही रोजगार होगा, किस नौजवान को 5 अगस्त 2019 के बाद रोजगार का ऑर्डर फरहान किया गया? उल्टा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स में भी हमारे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ये सच्चाई है। अमन की बात, सच्चाई ये है कि जिन इलाकों को हमने अपने दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी से खाली कर दिया था, आज वहां फिर से बंदूक का असर है। मैं वजीर आला था, सजाद किचलू साहब मेरे एमओएस होम थे, हमने श्रीनगर में बंकर के बंकर उड़ा दिए। हम वहां तक, हमें अपने आप को ये लग रहा था कि माहौल ठीक है, हम अफ्सपा पे बात शुरू करना कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफ्सपा को भी उठाया जा सकता है क्योंकि अब यहां पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, आप श्रीनगर का कोई कोना जो है वहां अपने आप, वहां कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता, श्रीनगर, बाकी इलाकों की तो दूर की बात है। कुपवाड़ा से लेके टनल तक जिन जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया गया था वहां दोबारा मिलिटेंसी पैदा हुई, और ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान जो नाराजगी और अलग अलग वजूहात की बुनियाद पर बंदूक उठाने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो श्रीनगर में 3 मारे गए उनमें से एक ऐसा था जिसने 2019 में बंदूक उठाई, मतलब 5 अगस्त के बाद। तो हमें तो कहा गया था कि 5 अगस्त और 370 के जाने के बाद तो कोई मिलिटेंट ही नहीं बनेगा, लेकिन आज भी बन रहे हैं, तो फिर ये झूठ किस काम का? हमें कहा गया था कि अलाई की पसंद जो जज्बात हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्या आपको खत्म होते हुए नजर आए? पिछले जुमा को हैदरपुरा के उस वाकया के बाद एलआईटी पसंद लोगों ने हड़ताल की कॉल दी, एक भी दुकान श्रीनगर में हमें खुली नजर नहीं आई, एक भी दुकान नहीं। तो फिर चलो ना, जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी भी काफी सरगर्म है, पहले चुनाव वैली के अंदर और फिर अब कश्मीर के अंदर। गुलाम नबी आजाद मुख्तलिफ पार्टी जलसों से मीटिंगों से खिताब कर रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद आज कुकरनाग के अंदर थे, पीरजादा मोहम्मद सैद के साथ साथ बाकी सीनियर लीडरान भी यहां उनके हमरा थे, वकार रसूल हो या दूसरे लीडरान हो, जीएम सरूरी हो, वो सभी आज यहां पर खेमा जन है और पब्लिक रैली से खिताब कर रहे थे। और यहां पर जब उन्होंने खिताब किया और खिताब के बाद जब गुलाम नबी आजाद ने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो कहा कि कश्मीर पर जितना बोलना था वो मैं 2.5 साल में बोल चुका हूं, 370 हो, 35 हो या जम्मू कश्मीर की यूटी का दर्जा मिलना हो, इस चीज को लेकर जितना बोलना था वो मैं बोल चुका हूं, अभी तरजीह दर्जा रियासत की बहाली और इलेक्शन का इनेकाद है।
अभी इधर उधर की मांग नहीं बल्कि इलेक्शन और रियासत की बहाली है, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। आजाद ने यह भी कहा कि बहाली या दर्ज रियासत पहले हो फिर बाद में इलेक्शन कराया जाए, यानी इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये मांग आज एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने उठाई है और उन्होंने ये भी कहा कि हदबंदी का अमल भी मुकम्मल हो जाना चाहिए। हालांकि डिलिमिटेशन को लेकर अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तहम उन्होंने कहा कि मार्च से पहले ही हदबंदी के सभी अमल को मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले स्टेटहुड मिल जाए और उसके बाद अपनी इजहार राय का इस्तेमाल करते हुए, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन भी कराए जा सके। वो दो चीजें दें, स्टेटहुड दें, इलेक्शन कराएं, बाकी हम खुद करेंगे। कौन आप रिएक्ट करना चाहेंगे? रूमर्स है सर। मैंने कोई बात की यहाँ ऐसी पार्टी अपनी पार्टी की? सर जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश किया, क्या आप कहाँ की है लग रहे हैं? नहीं, जब करेगी तो उस वक्त हम अपने ऑब्जेक्शन देंगे। सिर्फ हमारी ये गुजारिश है कि अब इसको फरवरी मार्च के आगे नहीं बढ़ाएं, जो डिलिमिटेशन वगैरह है उसको अभी अनाउंस कर दें ताकि वो उसमें अगर जो कुछ गलतियां हों उसको भी हम सुधारने के लिए बताएं ताकि फरवरी मार्च तक फाइनल हो जाए डिमार्केशन और इलेक्शन तुरंत करने चाहिए। हमारा इस वक्त लोगों में जाना, क्योंकि ढाई साल से नहीं जा पाए, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि ढाई साल से क्यों नहीं गए, उसकी दो वजूहत है। एक साल तक तो किसी लीडर को किसी को बंद रखा और किसी को आने, मेरे को तो दिल्ली से ही नहीं आने दिया। एक दफ़ा आया था वो भी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई नहीं करना, तो फिर क्या डाक बंगले में बैठने के लिए तो आना नहीं था। और वो अभी बंदिश ख़त्म नहीं हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाहर निकलने की, और कोविड ने अंदर कर दिया। तो अब फिर मुझे ये विंडो मिली, शुक्र करें कि इसमें 10-20 जगह हो पाए, कब और थर्ड फेज आती है और फिर हम बंद हो जाए। तो लोगों के पास जाना, उनसे पूछना, उनको ये एहसास दिलाना कि हम आपके दर्द को महसूस करते हैं। हमें इस वक्त माहौल विशिएट नहीं करना चाहिए, माहौल को ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए कि आपस में ही लीडर लड़ रहे हैं। इस वक्त हमको मिल के ये साफ करना, चाहे अपने अपने फोरम से करें, अपने अपने स्टेज से करें, लेकिन बात एक ही करें। सुनिए, हर लीडर अपने आप कल बताओगे कि गुलाम नबी साहब ने ये कहा तो आप बताओ ये अच्छा नहीं, जो मुझे अच्छा लगता मैं कहता हूँ, जो उनको अच्छा लगता वो कहते हैं और पब्लिक डिसाइड करेगी। हमारी मांग इस वक्त जो है वो जितना भी कश्मीर पर बोलना था मैं ढाई सालों में बोल चुका हूँ और सब दुनिया ने सुना। हमारी इस वक्त सिर्फ मांग है स्टेटहुड दी जाए और जल्दी इलेक्शन कराए जाए। ये हम उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया, जितना वो उस पर बहस होनी थी, 370 हो, 35A हो, डाउनग्रेडिंग स्टेट हो, यूटीज बनाने की बात हो, वो सबसे बड़ा जो फोरम है उसका पार्लियामेंट है और उसका ढाई साल तकरीर में करता रहा और आखिरी तकरीर मैंने उस पर इसी साल फरवरी में की। अब सिर्फ लाइन ये है कि अब दोनों चीज़ें वो मांग गए हैं, स्टेटहुड देना भी मांग गए हैं और इलेक्शन कराना भी मांग गए हैं, तो इसलिए दोनों डिलिमिटेशन। चलिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को सुन रहे थे। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी की, और फूड सेफ्टी के हवाले से आज श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब मुनाक़द हुई और इस तकरीब पर जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वो यहाँ पर मौजूद थे, PK पोले, और इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की। लेकिन जो तकरीब थी वो सही खाना खाने के हवाले से थी कि सही खाने का इंतखाब कैसे करना है, उस पर यहाँ पर सीर हासिल बहस हुई है और इसका इनॉग्रेशन आज यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने की। और उसके बाद PK पोले ने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो वायरस के नए वायरेंट को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, आवाम से अपील है कि SOPs को अमलाए मास्क को पहनावे यानी लिबास के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा वैक्सीन डोज जो 85% हो गए हैं, बाकी लोगों से भी अपील की है कि वो दूसरा डोज लें ताकि वो इस वायरस से किसी हद तक सेफ रहे।
काफी सीरियस इश्यू है। दूसरे कंट्रीज ने जो नया वेरिएंट आया है उसको काफी संजीदगी से लिया है, हमने भी उसी संजीदगी से लेने की जरूरत है, हम ले रहे हैं। आपकी जानिब से आम आवाम को मेरी अपील है कि जो चीज़ आप पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से सुन रहे हैं, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और हाथ की सफाई जो है मेंटेन करना, वो सब चीज़ें करें। मास्क को हमने हमारे पहनावे का पार्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में लोगों के पहनावे अलग अलग है, लेकिन नाज़रीन अब बात करते हैं विजन पब्लिक स्कूल की, जो कि हुमहमा के अंदर है। और इस विजन पब्लिक स्कूल के बारे में यही कहा जाता है कि ये अनसेफ है और अनसेफ होने के नतीजे में अब इसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर बंद किया है। और इस हवाले से जहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम की जानिब से एक नोटिस भी जारी की गई है और वहां पर चस्पा की गई है, जिसमें वाशकाफ अल्फाज में कहा गया है कि अब इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। दरअसल मस्कूरा स्कूल को R&B के इंजीनियरों ने मुआयने के बाद गैर महफूज करार दिया था और इस ज़मन में महकमा तालीम की जानिब से इसे बंद करने के न सिर्फ अहकाम जारी किए गए थे, बल्कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम ने स्कूल के सदर दरवाजे पर नोटिस चस्पा करके इसे बंद भी किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हवाला देते हुए ऑर्डर में लिखा है कि अगरचे स्कूल इंतजाम को कई बार नोटिस इजरा करके मुतबादल इंतजाम करने के लिए कहा भी गया है, तहम आज तक इंतजाम की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आज विजन पब्लिक स्कूल हुमहमा को बंद करना पड़ा। आपको बताते चले कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से 23 नवंबर को स्कूल से क्लोजर के ऑर्डर जारी किए गए थे, जबकि इसे अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने 24 नवंबर को अब बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट किया है। नाज़रीन खबरें और भी थी, लेकिन वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।